हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास किचन। तो आज मैं आप सबके लिए इंस्टेंट चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इन चटनियों को समोसे या फिर किसी चाट के साथ यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा टेस्टी लगती हैं और आप इनको काफी दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मजेदार और खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1/4 कप आमचूर पाउडर ले लिया है। इसके साथ हम आधा कप गुड़ ले लेंगे। गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप गुड़ लें या चीनी। और उसके बाद इसमें 3/4 कप पानी डाल देंगे, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, और इसमें कलर के लिए हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर काफ़ी अच्छा आता है। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। सारा सामान इसमें पहले ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको गैस पर रख देंगे। हमें इसको पहले गैस पर नहीं रखना है, इसमें सारा सामान ऐड करके इसको तैयार करके ही गैस पर रखेंगे। सारा सामान डालने के बाद इसको गैस पर चढ़ाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 4-5 मिनट में ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हमें सिर्फ इसमें एक उबाल आने का वेट करना है। देखिए गाइस, चटनी में उबाल आने लग गया है। और ये उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटा छोटा काट लिया था। मैंने इसमें काजू और किशमिश का यूज किया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको 30 से 40 सेकंड के लिए गैस पर उबलने देना है, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और उबाल आने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चटनी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस चटनी को आप चाट में यूज कर सकते हैं। ये टेस्ट में वाकई काफी ज्यादा अच्छी लगती है और जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल इमली की चटनी जैसा होता है। लाइक जैसे इमली की चटनी में खट्टा मीठा एक टेस्ट आता है, तो ऐसा ही कुछ इसका टेस्ट होता है। तो गाइस, अब हम बनाने जा रहे हैं धनिया पुदीने की लाजवाब चटनी की। ये चटनी टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 कटोरी भर के धनिया ले लिया है और उसके बाद हम लेंगे पुदीना। पुदीने की क्वांटिटी मैंने 3/4 रखी है, यानी कटोरी का 3/4 पार्ट मैंने पुदीने का ले लिया है। और मैं इसमें 2 मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मिर्चें आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला, और साथ ही में हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल लेंगे। और लास्टली मैं इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें कच्ची अम्बी भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें 3 से 4 आइस क्यूब्स ऐड कर दूंगी, जिससे कि इसका कलर काफी ज्यादा अच्छा आता है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच दही। सारा सामान ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते टाइम एक बार जार का ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे कि चटनी अच्छे से ग्राइंड हुई है या नहीं। देखिए गाइस, चटनी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है और इसका कलर भी काफी ज्यादा अच्छा आया है। ये देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। अब हम इसको निकालकर किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमारी इंस्टेंट चटनी इंस्टेंटली बनकर रेडी हो गई है। और यकीन मानिए गाइस, इसको बनाने में सिर्फ मेरे को 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है। 10 से 12 मिनट में दोनों चटनियां बनकर तैयार हो गई हैं। अगर गाइज आपको ये चटनी की रेसिपी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज के लिए जुड़े रहें वेदास किचन के साथ।